एक योद्धा किसी भी दुश्मन से नहीं डरता और 10 गुना ताकतवर दुश्मन को देखकर भी पीछे नहीं हटता, क्योंकि वो अपनी मिट्टी के लिए, अपने लोगों के लिए अपने आप को, अपने जीवन को समर्पित कर देता है। महान योद्धा बना देता है जो किसी से भी नहीं डरता। वो अपने जीवन को कठिन से कठिन ट्रेनिंग में समर्पित करता है। अगर उसके दुश्मन इतनी मेहनत करते हैं, वो उनसे 10 गुना हार्ड ट्रेनिंग करता है, तब मैदानी जंग में वो अपने दुश्मनों को हरा कर जीत का इतिहास रचता है। What is your dream? एक इंजीनियर बनना, एक एक्टर बनना, क्रिकेटर बनना, बिजनेसमैन बनना या एक लीडर बनना। तुम्हारा सपना जो भी हो, वो 101% पूरा हो सकता है। तुम्हारा सपना सच्चाई में बदल सकता है। सपने देखते रहो, क्रेजियस सपने देखो और उस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए एक योद्धा की मेंटेलिटी रखो। ये वो मजबूत भावना है जो हर चुनौतियों का सामना करके उनके साथ लड़ती है। यही वो मजबूत भावना है जो बिना घबराए बड़ी से बड़ी जंग से लड़कर उसे जीतने का साहस रखती है। इस जीवन में मुझे और तुम्हें बहुत ही कठिन समय से गुजरना होगा। हमें उस समय से गुजरना होगा जो हमें डराने की कोशिश करेगा, जो हमें हराने की कोशिश करेगा, जो हमें हर पल रुलाने की, कमजोर बनाने की कोशिश करेगा। किसी भी समय कठिनाइयां तुम पर निर्दयता से हमला करेगी। वो तुम्हें दर्द देगी, वो तुम्हें अंदर से तोड़ देगी, वो तुम्हें बार बार घुटनों के बल गिराने की कोशिश करेगी और तुम्हें कमजोर बनाने की कोशिश करेगी। उस समय जो कमजोर बन गया वो हार मानेगा, लेकिन तुम नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि तुम एक योद्धा हो, एक महान योद्धा जो कभी भी हार नहीं मानता। तुम उठोगे और एक योद्धा की भांति उन कठिनाइयों पर हमला करके उन्हें खत्म कर दोगे। डर लोगों को पैरालाइज बना देता है। हर एक योद्धा जो जंग पर जाता है, उन्हें मौत का डर नहीं होता, उसे सिर्फ डर पर जीत हासिल करने की भूख होती है और यही भूख उसे बड़े सी बड़ी जंग बिना डरे लड़वाती है और उस जंग को जितवाती भी है। अगर तुम अपने लक्ष्य और अपने आदर्शों के बिना जी रहे हो तो ये जिंदगी मौत से भी बदतर है। एक योद्धा बने और एक फियरलेस इंसान बने। तुम्हारे अंदर योद्धा का खून बह रहा है, तुम्हारे अंदर हर एक हिंदुस्तानी के अंदर वॉरियर पावर है। क्या तुम ये नहीं मानते? सदियों से क्या हमारे पूर्वजों ने बड़े से बड़ा युद्ध नहीं लड़ा? क्या उन्होंने बड़े से बड़े दुश्मनों को धूल नहीं चढ़ा? हाँ, उन्होंने बड़ी से बड़ी जंग लड़ी है और यही वॉरियर पावर हम सबको विरासत में मिली है। अपना हर पल योद्धा की तरह जिए, सिर उठाए और जो आप मानते हैं उसके लिए लड़े। आपके परिवार को आपकी जरूरत है, आपके देश को आपकी जरूरत है। तुम वो सब कुछ पा सकते हो जिसे तुम चाहते हो। वो इंसान बन सकते हो जो तुम बनना चाहते हो। तुम अपना नाम देश में नहीं बल्कि दुनिया में अपने देश का नाम रोशन कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो वॉरियर पावर है, तुम्हारे अंदर एक महान योद्धा है। तुम्हारी इच्छा शक्ति तुम्हारी सभी बाधाओं को दूर करने में मदद करेगी। मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने अंदर की वॉरियर स्पिरिट का उपयोग करें। मुश्किल समय में सरेंडर मत करें, क्योंकि मुश्किलों के साथ लड़ने के बाद तुम्हारी महिमा के सामने ये मुश्किलें बहुत ही छोटी हैं। डिफिकल्टीज कम, टेक दिस। जन्म से लेकर आज तक हम ऐसे ही जीते आए हैं, लेकिन अब और नहीं। अब खड़े हो जाओ, इस टाइम हमें लड़ना है। इस समय से लेकर जिंदगी के आखिरी पल तक लड़ना है। पसीना बहाना है लेकिन हार नहीं माननी है। अपनी जिंदगी को बदलने के लिए लड़ना है, सफलता हासिल करने के लिए लड़ना है, हमारी फैमिली को खुशियां देने के लिए लड़ना है, हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लड़ना है, अपने देश के लिए लड़ना है और अपने आप को योद्धा साबित करने के लिए लड़ना है। जीवन में एक योद्धा की भांति लड़कर इस संघर्ष में जीवन के बाद जब भी तुम मरोगे,
तब एक हीरो के जैसे मरोगे, एक लीडर के जैसे मरोगे, एक योद्धा के जैसे मरोगे, जिसका नाम सदियों तक अमर रहेगा और हमेशा दुनिया उसे याद करेगी।